महात्मा कबीरदास जी का एक प्रसंग है कि उनके मन में यह भाव पैदा हुआ, यदि मुझे गुरु दीक्षा प्राप्त नहीं होगी तो मैं निगुरा रह जाऊंगा, और निगुरा रह जाना मतलब जीवन में जो सार्थकता है उसका मार्ग अवरुद्ध हो जाना, बंद हो जाना। और ये विचार करके उन्होंने रामानंद जी को अपना गुरु बनाने के संबंध में मन को दृढ़ किया, परंतु उस काल में कैसे गुरु बनाया जा सकता था ये विचार करके कुछ थोड़ा दुखी हुए। मार्ग नहीं सूझा तो एक दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में नदी की किनारे की सीढ़ी पर लेट गए, और जब श्री रामानंद जी स्नान करने के लिए वहाँ सीढ़ियों से उतर रहे थे, उनके चरणों का स्पर्श हुआ और उनके मुख से राम राम निकला, और महात्मा कबीरदास बहुत प्रसन्न हुए कि मुझे गुरु मंत्र प्राप्त हो गया। ये जीवन मुक्त कुछ जो संत होते हैं, कुछ महात्मा होते हैं और जो साधक होते हैं, उनके द्वारा दीक्षा के संबंध में बहुत गहराई से विचार किया जाता है। हमारे अनेक साधकों ने भी और सामान्य रूप से गृहस्थियों ने भी विभिन्न माध्यमों से ये बात जानना चाहिए कि क्या दीक्षा, उसमें भी गुरु दीक्षा होना आवश्यक है, और यदि गुरु दीक्षा नहीं है तो बिना गुरु के ज्ञान की प्राप्ति, सन्मार्ग की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति संभव है अथवा नहीं। अब इसमें यह जो प्रश्न है, इस पर हम शास्त्रों की दृष्टि से विचार करते हैं। इसमें जो अभिमत है उसमें दो दिशाएं मिलती हैं। पहली दिशा यह है कि कुछ ऐसे मंत्र आदि होते हैं, कुछ ऐसे अनुष्ठान होते हैं जिसमें स्वयं के द्वारा अपने अंदर से जो प्रेरणा प्राप्त होती है उसके आधार पर साधना की जाती है, और वह साधना आगे जाकर के गुरु की प्राप्ति करा देती है, और अनायास हमें कोई उपयुक्त गुरु प्राप्त हो जाते हैं अपनी साधना के अनुकूल और उस स्थिति के जो हमारी साधना चल रही है। दूसरा जो तत्व है वह यह है कि हमें अपने व्यक्तित्व के, अपने संस्कार के, अपनी परंपरा के अनुरूप गुरु का चयन करना चाहिए। जब हमें अनुकूल गुरु की प्राप्ति हो जाती है तो हमारी साधना का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। जैसे किसी बीज को अनुकूल भूमि प्राप्त हो जाए तो बीज का अंकुरण हो करके और बड़ी तेजी से वह पौधा बनता है और फिर आगे उसका स्वरूप विकसित होने लगता है, इसी तरह से यदि हमें श्रेष्ठ गुरु प्राप्त हो गए तो हम उनके द्वारा दीक्षा प्राप्त करके अपने जीवन के उद्देश्य को पूर्ण कर सकते हैं। तो एक बात तो स्पष्ट है कि किसी भी परिस्थिति में गुरु का होना बहुत आवश्यक है। जैसे हम अंधेरे में जा रहे हैं और हमें प्रकाश की आवश्यकता है, तो यह जो प्रकाश है यह प्रकाश ही गुरु है। गुरु शब्द में दो अक्षर हैं, पहला है गु और दूसरा है रू। गु का अर्थ अंधकार बताया गया है और रू का अर्थ प्रकाश बताया गया है। तो किसी भी प्रकार का जीवन में अंधकार है, अज्ञानता का अंधकार है, उस अंधकार को जो दूर करने वाला है वह गुरु है, और उसके साथ में उसके द्वारा बताया गया जो मंत्र है वही ये मान लें कि वह प्रकाश का कार्य करता है, हमारे को रास्ता बताने का कार्य करता है। तो गुरु के द्वारा जो मंत्र प्रदान किया जाता है वही हमारे लिए जीवन में प्रकाशक बनता है। अब ये जो दीक्षा है, इस दीक्षा के संबंध में कुछ प्रमुख बातों को जान लें। पहली बात यह कि दीक्षा का जो मूल स्वरूप है वो व्यक्तिगत है, सामूहिक नहीं होता। आजकल देखने में ये आता है कि कोई महान गुरु प्राप्त हो गए, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में उनके भक्त हैं, और उन गुरुओं के बीच में यह प्रतिस्पर्धा चल रही है कि मेरे भक्तों की संख्या लाखों में है। एक गुरु के भक्त की संख्या यदि 10 लाख है तो दूसरे गुरु की भक्त संख्या 15 लाख होना चाहिए, उससे कम क्यों होना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में वह एक जो जन समुदाय है वहाँ पर उपस्थित होता है
उन सब लोगों को वो दीक्षित करते हैं, उन्हें दीक्षा प्रदान करते हैं। परंतु यह गुरु दीक्षा नहीं है, ध्यान रखिए। गुरु दीक्षा वह है जो व्यक्तिगत रूप से गुरु के माध्यम से शिष्य को प्राप्त होती है। इसके विभिन्न भेद हैं। संस्कारात जो शिक्षा प्राप्त होती है, जो दीक्षा प्राप्त होती है, वह उसके अंदर दूसरा जन्म पैदा करती है। संस्कारात द्विज उच्यते, द्विज का मतलब होता है दूसरा जन्म। तो जो भी शिष्य है, उस शिष्य के अंदर गुरु जब मंत्र के माध्यम से उसके कान में वह मंत्र देता है, उससे ही उसके जीवन में दीक्षा का उद्भव होता है, दीक्षा उसके अंदर पैदा होती है, वही जीवन का उद्धार करती है, और इसी को गुरु दीक्षा कहा जाता है। तो गुरु ने जो मंत्र दिया वह दीक्षा हुई, और वह जो दीक्षा हुई वो परम गोपनीय हुई, केवल उस गुरु और उस शिष्य तक, और उसके बाद उसके आगे की परंपरा में वो आगे बढ़ती है। इसको श्रुति परंपरा कहते हैं। सुन करके, कान में सुन करके गुरु के माध्यम से जो मंत्र मिला, ये प्रकाशन की चीज़ नहीं है, गोपनीय चीज़ इसलिए मानी गई है कि गुरु ने जो दे दिया वो अमृत है, उसका प्रकाशन नहीं होता। जैसे हमारे हीरा पाय गांठ गठियायो, हाथ में हीरा आ गया तो उसको कोई हम प्रदर्शन थोड़ी करते रहते हैं कि हमें हीरा मिल गया, देखो भाई हमारे पास हीरा है, उसको छुपा के रखते हैं। तो एक सामान्य वस्तु, हीरा भी सामान्य वस्तु ही है, उसको भी जब हम इतना गोपनीय, तो मंत्र तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। वो गुरु से प्राप्त हो गई, तो गुरु से जो प्राप्त हो गई उसके बाद गुरु और शिष्य का अभेद संबंध हो गया। और इसीलिए कहा गया शास्त्रों में कि गुरु से कपट मित्र संग चोरी, ये कभी नहीं होना चाहिए। तो गुरु से फिर उसके बाद कपट वाली चीज़ खत्म, अभेदत्व हो गया, एकाकार हो गया, उनमें तादात्म्य संबंध हो गया, इसलिए इसे दीक्षा कहा जाता है। इस प्रकार से जब हमारा दीक्षित मन हो जाता है, तब उस मन के माध्यम से हम अपने आत्मस्वरूप को प्राप्त करते हैं, ये शास्त्र की धारा है। अब ये दीक्षा किस किस ढंग से प्राप्त हो सकती है? पहली जिस दीक्षा को हमने चर्चा की वह है गुरु के द्वारा व्यक्तिगत रूप से शिष्य को प्रदान किया जाना, मंत्र प्रदान किया जाना। शास्त्र में एक स्पर्श दीक्षा भी है, छोटे शिष्य को हृदय का आलंबन करते हुए, उसके हृदय पर स्पर्श करते हुए, और गुरु के द्वारा उसके जीवन को देखकर, उसके जीवन को परखकर, और उसके जीवन के आगे की स्थितियों को समझते हुए उसके उत्कर्ष के लिए जो मंत्र प्रदान किया जाता है हृदयालंबन पूर्वक, वह स्पर्श दीक्षा होती है। तीसरे प्रकार की दीक्षा दृग दीक्षा भी होती है, नेत्रों से संस्कार के वशीभूत होकर और शिष्य के स्वरूप को समझ जाना, ये योग्य गुरु का कार्य है। तो योग्य गुरु अपने शिष्य की सारी अंतःवृत्ति को समझ जाता है और उसके जीवन में क्या उपयोगी है, किस मंत्र के प्रभाव से इसका जीवन आगे बढ़ सकता है, तो वह दृग दीक्षा के माध्यम से, नेत्रों की दीक्षा के माध्यम से, नेत्र पर्क के माध्यम से उसे संकेत विद्या को प्रदान कर देता है। एक और भी दीक्षा का प्रकार है जिसमें जो गुरु परंपरा है भगवान शिव से प्रारंभ होकर के जो उस गुरु तक प्राप्त हुई है, उस पूरी परंपरा को शिष्य के साथ में वह अवतरित करता है और फिर उस शिष्य में उस विद्या को संक्रमित करता है, उसके अंदर बढ़ा देता है, और फिर वह शिष्य भी गुरु के समान ही हो जाता है। इसलिए जैसे ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, उसी तरह से गुरु के स्वरूप को आत्मसात करके वह गुरुमय ही हो जाता है। यह विशिष्ट दीक्षा है जो विशेष गुरुओं के माध्यम से, सिद्ध गुरुओं के माध्यम से प्राप्त होती है, और उसका महत्व कई गुना अधिक हो जाता है। जब आप ऐसे गुरु के माध्यम से कोई मंत्र प्राप्त करते हैं, तो संक्षिप्त रूप से, सामान्य रूप से, कम संख्या में भी यदि आप मंत्र का प्रयोग और जाप इत्यादि करते हैं, तो उसका फल अनंत गुना हो जाता है। एक दीक्षा स्वप्न दीक्षा भी कुछ तंत्र ग्रंथों में बताई गई है। जब आपके मन की स्थिति निर्मल होने लगती है और आपके सारे संशय समाप्त होने लगते हैं, मन बहुत पवित्र हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, उसमें राग द्वेष का अभाव हो जाता है, तो जो आपके इष्ट देव हैं वह स्वप्न के माध्यम से किसी भी प्रकार से आपको प्रेरित करते हुए स्वप्न में मंत्र दे सकते हैं, और वह मंत्र बहुत गोपनीय होता है, बहुत ही प्रभावी होता है। ऐसे मंत्र को कभी भी सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं किया जाता। एक और बात का उल्लेख हमारे पुराण आदि ग्रंथों में किया गया है, इसमें कुंभ दीक्षा का भी एक
प्रयोग हमें प्राप्त होता है। जब शिष्य इस कोटि का हो जाए कि उसे सभी प्रकार के मंत्रों का विधान स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो चुका है, वो सब प्रयोग जानता है और उसे किसी विशेष प्रयोग को प्राप्त करने की इच्छा है लेकिन उसके अनुरूप गुरु प्राप्त नहीं हो रहा है, तो वह विशिष्ट प्रयोगों के माध्यम से कुंभ में एक विशिष्ट कुंभ का निर्माण करके और जिस मंत्र को वो ग्रहण करना चाहता है देवी देवताओं की सहायता से सारे गुरुओं का आवाहन करते हुए उस कुंभ में से उस मंत्र को प्राप्त करता है। इसे कुंभ दीक्षा भी कहा जाता है और इस दीक्षा के माध्यम से वह अपनी शक्तियों को जागृत कर लेता है। तो ये जो कुछ सामान्य रूप से और विशिष्ट रूप से दीक्षा के विधान शास्त्रों में बताए गए हैं, इन्हें ध्यान पूर्वक हमें जिस भी क्रम से दीक्षा प्राप्त करनी हो उसे प्राप्त करना चाहिए। कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहली बात यह कि यदि कोई गृहस्थ व्यक्ति जीवन में गुरु बनाना चाहता है तो पहली आवश्यकता यह है कि वह अपने जीवन में गृहस्थ गुरु का चयन करे। उसका कारण यह है कि गृहस्थ जो गुरु है उसको सर्वदा सुलभ होते हैं। जब भी किसी प्रकार का मन में कोई प्रश्न उठे, कोई विचिकित्सा हो, मन में कोई विचार आए, कोई उसे संकेत मिल रहे हों तो उनका समाधान वह गृहस्थ गुरु कर सकते हैं, सहज सुलभ होते हैं। यदि व्यक्ति को किसी विशिष्ट गुरु को अपना गुरु बनाने की इच्छा है तो आचार्य कुल परंपरा के गुरु से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए और गुरु वही होना चाहिए जो स्वयं में पूर्ण साधक हो। केवल बहुत बड़े साम्राज्य का प्रदर्शन देख करके गुरु का चयन नहीं होता। जो आचार्य कुल परंपरा के गुरु हैं, जिन्हें सत और असत का विवेक है और जो शिष्य की वृत्ति को जान करके उसके उत्कर्ष के लिए कामना करते हैं, ऐसे गुरु का चयन करना चाहिए, उनके द्वारा मंत्र ग्रहण करना चाहिए। और फिर ऐसी स्थिति में मन में कई बार भ्रम भी पैदा होते हैं, इसलिए गुरु की देखी न करे, गुरु जो कहे सो मान। मंत्र दीक्षा के बाद गुरु अनेक प्रकार से परीक्षण भी करते हैं और फिर शिष्य के उत्कर्ष की कामना के लिए विभिन्न प्रकार के मार्ग भी प्रशस्त करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में गुरु के ऊपर संदेह किया जाना वह शिष्य के लिए स्वयं ही आत्मघाती भी बन सकता है। तो शिष्य गुरु के ऊपर संदेह न करे, पूर्ण ज्ञान से युक्त और साधना से युक्त और स्वयं साधक जो गुरु हो ऐसे गुरु का चयन करे और ऐसे गुरु का चयन करने के पश्चात विनम्रतापूर्वक उनसे मंत्र ग्रहण करे। व्यक्तिगत रूप से जिस मंत्र को ग्रहण किया जाता है वह मंत्र ही हमारे उद्धार का कारण बनता है और सार्वजनिक रूप से जो दिया गया मंत्र है वह मंत्र संकीर्तन का कारण और संकीर्तन का कारक होता है। उस मंत्र का कीर्तन किया जा सकता है परंतु वह गुरु मंत्र नहीं है, क्योंकि शिष्य के एक कान से यदि हजारों कानों तक वह चीज पहुंच गई तो मंत्र बिखर गया। मंत्र बिखरा हुआ कार्य नहीं करता और मंत्र के साथ उसकी विधि को भी जानना है, मंत्र के साथ उसके प्रयोग को भी जानना है और मंत्र के साथ उसके कौन कौन से विधान होते हैं इनको भी समझना है, तभी हम अपने जीवन में मंत्र के द्वारा प्रदत्त लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये दीक्षा के संबंध में हमने आज विचार किया है। बहुत दिनों से इस पर अनेक प्रकार की बातें सामने आ रही थी, लोग जानना चाह रहे हैं कि हम कैसे गुरु बनाएं, कैसा मंत्र लें, किनके द्वारा मंत्र लें, और एक दूसरे को देख करके यह मन में भाव भी पैदा होता है कि उनके गुरु इतने बड़े हैं, हमारे गुरु बहुत छोटे हैं। ये सब बहुत से ऐसे विषय हैं जिनके संबंध में समाधान आवश्यक है। तो आज हमने इस पर चर्चा की, अब इसकी अगली कड़ी में हम बहुत सुंदर विषय लेकर फिर आ रहे हैं, क्योंकि ये एक मन को प्रफुल्लित करने वाली बात है कि हम कोई भी शास्त्र के आधार पर विषय प्रस्तुत कर रहे हैं, उसके साथ ही प्रश्न बहुत से उपस्थित हो जाते हैं, परंतु सीमा है, हम लोग अध्ययन करके, अनुसंधान करके और विषय के संबंध में अनेक जो प्रामाणिक गुरुजन हैं, जो शक्तिपीठ इत्यादि के आचार्य हैं, उन सब लोगों से मार्गदर्शन प्राप्त करके आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आप इसमें सहभागी बने, अपने जीवन का कल्याण करें।